हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं दांडी और आके गए हैं गाड़ी में और हम लोग आधे लोग जा रहे हैं रिक्शे में और वहाँ से कैसे जाना है वो अभी चीजा जी बताएंगे। तो चलिए दांडी घूम के आते हैं। इस रिक्शे में बैठकर हम दांडी के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट मिलता है वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से हम दूसरी रिक्शा करेंगे जो हमें दांडी पहुँचाएगी। वैसे परम को अपने सब कज़िन के साथ गाड़ी में बैठकर जाना था, पर मैंने उसे बताया कि हम सब रिक्शे में जाने वाले हैं तो मान गया, क्योंकि उसको रिक्शे में जाना बहुत पसंद है और काफ़ी कम बैठता है रिक्शे में, तो वो बोला कि हाँ मैं रिक्शे में ही आऊँगा। मैं और वीना दीदी यहाँ पर थोड़ी गपशप कर रहे हैं, यानी जब भी बहनें मिलती है तो पुरानी बातें याद आ जाती है, कुछ ना कुछ गपशप किसी बात पर हो ही जाती है, तो बस यहाँ पर यही रूटीन हमारा चल रहा है। वैसे कार से भी ज़्यादा हमें रिक्शे में बहुत मज़ा आया, क्योंकि खुली रिक्शा है तो सब कुछ इतना अच्छे से, सब बाहर का नज़ारा दिख रहा था, हवा भी इतनी तेज़ अच्छी आ रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ये भी एक्सपीरियंस करने जैसा है, कार से भी ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आएगा। कार पार्क करके अभी हम चल के जा रहे हैं मेमोरियल तक और वहाँ की टिकट है 20 रुपये। अगर आपका बच्चा 5 साल के नीचे है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी और खाना पीना कुछ भी आप अंदर ले नहीं जा सकते। तो काफ़ी फटाफट कर रहा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है मैं यहाँ पर आते आते, और 6:30 बजे के बाद यहाँ पर बंद हो जाता है, यानी आपको जल्दी करना होता है अगर आप लेट हो गए हैं तो। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलेंटियर के साथ अहिंसक पदयात्रा शुरू की थी, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पूरी हुई। यहाँ पर सेफी विला और प्रार्थना मंदिर भी है, जहाँ पर सेफी विला में गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को एक रात बिताई थी। शाम का टाइम है और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और स्पेस वाइज इतना बड़ा है कि शायद भीड़ भी है फिर भी आपको दिखेगी नहीं, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ही शांत और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सोल्ट सत्याग्रह के सिमलाइज आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है और ये लेक बरसात के पानी से भर दिया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये। यहाँ पर 22 नैरेटिव म्यूरल है जिसको ब्रॉन्ज से बनाया गया है और सब म्यूरल में बहुत सुंदर तरीके से गांधी जी और उनके वॉलंटियर की स्टोरी बताते हैं, किस तरह से, किस गांव में, कैसे माहौल में वो रुके हुए थे वो सब म्यूरल में दिखाया गया है और नीचे लिखा हुआ भी है, इससे बहुत ही आसानी से लोगों को इस टाइम की इंफॉर्मेशन मिलती है। इतना अच्छा माहौल है यहाँ का कि अगर आप ऐसे भी 1-2 घंटे यहाँ पर बैठेंगे फिर भी बोर नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब मैनेज किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। गांधी जी के साथ उनके 78 स्वयंसेवकों की यहाँ पर स्टेच्यू है, हमारी जो बॉडी साइज है उसके मुताबिक सबको ब्रॉन्ज से बनाया है और सब साथ में दांडी यात्रा पर निकले हो इस तरह से सब स्टेच्यू को चलते हुए दिखाया है।
और आगे गांधी जी को सबका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी रियल साइज के स्टेचू में दिखाया गया है और बहुत ही वंडरफुल नज़ारा है। हम लोग फील कर सकते हैं कि उस टाइम दांडी यात्रा का नज़ारा कैसा होगा, किस तरह से वो अपने स्वयं सेवकों के साथ निकले होंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ पर ये मिलता है। ये जो आप स्टील फ्रेम ए शेप की देख रहे हो वो 130 फीट की है और दो हाथों का प्रतीक है। उसमें सोल्ट कृषक का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्लास क्यूब को रखा है और गांधी जी का स्टेचू 16 फीट का है। उसको 60 सेपरेट पीस में मुंबई से यहाँ पर लाके बाद में जोड़ा गया। गांधी जी का नेचर और गुण है आत्मनिर्भर बनना और इसी आत्मनिर्भर गुण को स्थापित करने के लिए यहाँ पर 40 सोलर ट्री लगाए गए है, जिससे ये मेमोरियल जीरो एनर्जी प्रोजेक्ट बन गया है। दिन के टाइम बनी सोलर ऊर्जा रात को उपयोग में लेते हैं, जिससे एक्सपेंसिव बैटरीज के इंस्टॉल और मेंटेनेंस के खर्चे को बचाती है। यहाँ पर है सोर नमक बनाने के बर्तन, यानी हमारे सत्याग्रह जो नमक के लिए किया गया था उसके चिन्ह रूप यहाँ से आप चुटकी भर नमक घर ले जा सकते हो और उसकी परमिशन यहाँ पर दी गई है। इस म्यूजियम में गांधी जी की पेंटिंग लगाई गई है जिसके साथ नमक सत्याग्रह के बारे में भी बताया गया है। और इसमें वेरी अट्रैक्टिव पार्ट यह है कि यहाँ पर नीडल यानी सुई जिसे हम कपड़े सीते हैं उसके पीछे के होल में एक आर्टिस्ट ने दांडी मार्च का माइक्रोस्कल्पचर तैयार किया है, जो यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। यहाँ की इवनिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखिए चारों लाइट कर दी है, लेक में भी काफ़ी लाइट रखी हुई है और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग घर पर आ गए हैं और हम लोग बीच पर जाने वाले थे पर काफ़ी लेट हो गया तो हम बीच पर नहीं गए हैं। अभी कल हम लोग सब सुबह बीच पर जाने वाले हैं और अभी हम डिनर बनाने वाले हैं और थोड़ा सा बाहर से भी लेके आने वाले हैं, तो बस अभी फ्रेश होके सब डिनर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर सब कज़िन मिलकर कर रहे हैं मस्ती और सब बहनें डिनर बनाने की प्रिपरेशन में लग गई है, कुछ ना कुछ बना रही है। वैसे गाइस आज का व्लॉग पसंद आया कि नहीं, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिनर में है मंचूरियन, पुलाव और बैंगन का भरता हमने घर पर ही बनाया है, छाछ है और पाव भाजी की भाजी भी घर पर ही बनाई है। ये है आज का डिनर, थोड़ा बाहर का थोड़ा घर का मिक्स। हेलो एवरीबॉडी, हाय वीणा दीदी, वीणा दीदी इधर आ जाइए।